हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीषा सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और नई जबरदस्त जॉब अपडेट के साथ, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है आपको ITBP के तरफ से कॉन्स्टेबल ड्राइवर की पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको बता दूँ कि ITBP मतलब इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स होता है। इसमें ग्रुप सी की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है और साथ ही साथ इसको नेपाल और भूटान के भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। साथ ही साथ आपको पोस्ट, डिपार्टमेंट, इसके साथ आपको इम्पॉर्टेंट डेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सारा कुछ आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस जबरदस्त रिक्रूटमेंट को लेकर अगर थोड़े से भी इंटरेस्टेड होना तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि वैकेंसी निकली है ITBP के तरफ से कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट के लिए। और ITBP फ्रेंड आपको सेंट्रल आर्म्ड फोर्स में आता है, जिसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में पैरामिलिट्री फोर्सेस के नाम से भी जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपको फ्रेंड्स 458 सीट्स के लिए ये वैकेंसी आउट हुई है। आपका कैटेगरी वाइज जो सीट डिवाइड किया गया है वो आपको बता देती हूँ। जनरल कैंडिडेट्स के लिए 195 सीट्स रहेगा, SC वालों के लिए 74 सीट्स रहेंगे, ST कैंडिडेट्स के लिए 37 सीट, OBC के लिए 110, EWS के लिए 42 सीट यहाँ पे रखा गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि इम्पॉर्टेंट डेट यहाँ पे क्या होने वाला है। तो फॉर्म जो है आपका 27 जून 2023 से स्टार्ट हो चुका है, मतलब कि कल से ये फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है। एंड लास्ट डेट टू अप्लाई यहाँ पे आपको 26 जुलाई 2023 रहने वाला है। तो आप लोगों को लास्ट डेट का वेट ना करते हुए जल्द से जल्द इस फॉर्म को भर देना है। अब मैं बता दूं आपको कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए फी क्या रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से यहाँ पे 100 रुपीज लिया जाएगा, वहीं पे आपको SC ST एंड एक सर्विसमैन से यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं ली जाएंगे। अब आप लोग जानना चाह रहे होंगे कि इसके लिए एज लिमिट क्या रखा गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एज जो कैलकुलेट होगा एज ऑन आपका 26 जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा। जनरल कैंडिडेट के लिए आपका मिनिमम एज 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम 27 ईयर्स रखा गया है। और यहाँ पे आपको ओबीसी एंड SC ST वालों को एज में रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगा। ओबीसी को फ्रेंड्स 3 ईयर्स का एंड SC ST को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन होगा एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। और फ्रेंड्स, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो अगर आपका बर्थ 27 जुलाई 1996 टू आपका 26 जुलाई 2002 के बीच में हुआ है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एकदम एलिजिबल रहने वाले हो। अब बारी आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, अगर आपने 10th पास कर रखा है और आपके पास हेवी व्हीकल ड्राइविंग का लाइसेंस है तो आप 110% इस फॉर्म को अभी के अभी जाके अप्लाई कर दो। सिलेक्शन की अगर प्रोसेस देखेंगे हम लोग तो 4 मेजर स्टेज पे डिपेंडेबल होता है फ्रेंड्स। यहाँ पे ना सबसे पहले आपका फिजिकल लिया जाता है, जिसमें आपका PET एंड PST टेस्ट होता है। देन आपका ऑफलाइन OMR बेस्ड एग्जाम होता है। उसके बाद बारी आती है ट्रेड टेस्ट की, जिसमें आपका ड्राइविंग का टेस्ट लिया जाता है। देन फ्रेंड्स आपका सिंपल सा मेडिकल होता है, उसके साथ ही एक नॉर्मल सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर मिल जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आप लोगों को क्लियर कर देते हैं कि फिजिकल में क्या सब रिक्वायरमेंट्स रहने वाली है। सबसे पहले फ्रेंड्स आपकी रनिंग होती है, 1600 मीटर की रनिंग होती है, 7 मिनट 30 सेकेंड्स में आपको कंप्लीट करना होता है। लॉन्ग जंप आपका 11 फीट का होता है, जिसको कंप्लीट करने के लिए आपको 3 चांस दिए जाते हैं। इसके बाद आपका हाई जंप होता है 3.5 फीट का, इसके लिए भी फ्रेंड्स आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे। फिर फ्रेंड्स आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है उसमें सबसे पहले आपका हाइट मेजरमेंट होता है। तो जनरल कैंडिडेट, ओबीसी, एसटी और जो भी सारे कैंडिडेट्स का फ्रेंड्स यहाँ पे हाइट 170 सेंटीमीटर मिनिमम रिक्वायर्ड होता है।
चेस्ट आपको फ्रेंड्स 80 टू 85 सेंटीमीटर के बीच आपका सारे कैंडिडेट्स का रहता है। इसके अलावा फ्रेंड्स एसटी वालों का हाइट मिनिमम 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 76 टू 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पे कुछ लोगों को स्पेशल छूट मिलता है, जैसे कि असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लेह लद्दाख, गोरखा, मराठा और सिक्किम के जो कैंडिडेट होते हैं, जो वहाँ से बिलोंग करते हैं, उनके लिए फ्रेंड्स हाइट मिनिमम 165 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड होती है और चेस्ट आपका 78 टू 83 सेंटीमीटर यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगी। अब फाइनली फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्जाम जो आपका ऑफलाइन रिटन एग्जाम होगा आपका सेकेंड स्टेज पे, उसका जो है क्या पैटर्न रहेगा, किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे आपका 2 आवर्स का एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहने वाला है, मतलब पर क्वेश्चन 1 मार्क दिया जाता है। तो आइए अब आपको समझा दूं कि सब्जेक्ट वाइज कितना कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले फ्रेंड्स जनरल नॉलेज का आपको 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहेगा। देन आपका मैथमेटिक्स यहाँ पे है 10 क्वेश्चन 10 मार्क के लिए, हिंदी 10 क्वेश्चन 10 मार्क के लिए, इंग्लिश 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स आपका ट्रेड रिलेटेड थ्योरी के क्वेश्चंस रहते हैं 60 क्वेश्चन 60 मार्क के। ट्रेड रिलेटेड से यहाँ मतलब होगा कि ये ड्राइविंग के लिए है आपका, तो यहाँ पे आपको ड्राइविंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको ट्रैफिक जो रूल्स होते हैं वो पता होना चाहिए, रोड के सिग्नल के बारे में पता होना चाहिए। तो इन सब से रिलेटेड अगर आपने ये सब आप जानकारी तो होगी, आपके पास लाइसेंस है, ड्राइविंग करना जानते हो, तो सिंपल से क्वेश्चन रहेंगे, इसको आप इजिली सॉल्व कर पाओगे। और एग्जाम भी कोई आपका बहुत टफ नहीं होता, ये 10th लेवल बेसिस का एग्जाम होगा, तो आप लोग अगर अच्छे से अभी मेहनत से तैयारी करो तो आप लोग क्रैक कर सकते हो। और फिजिकल की भी तैयारी फ्रेंड्स अभी से ही आप लोग स्टार्ट कर देना। तो आपका जो एग्जाम पैटर्न होता है वो आपने समझ लिया। तो एग्जाम के बाद फ्रेंड्स आपका सिंपल सा मेडिकल प्लस नॉर्मल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा वो किस बेसिस पर आएगा, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आपका जो यहाँ पे रिटन एग्जाम होता है उसके बेसिस पे ही आपका मेरिट लिस्ट तैयार होता है। सो ये सारा करने के बाद आपके मन में ये आ रहा होगा कि जॉब लोकेशन क्या रहेगा, तो जॉब लोकेशन एज पर लोकेटेड बाय आईटीबीपी आपको इंडिया में कहीं पे भी सर्व करना पड़ सकता है। तो बी वेल प्रिपेयर्ड, अभी से ही तैयारी कर लो आप बढ़िया से। और इसके बाद फ्रेंड्स आपका इंटरेस्टिंग सा सैलरी भी आपको मिलता है। इनिशियल इन हैंड सैलरी आपको 21,700 टू 69,100 के बीच देखने को मिलता है, लेवल 3 की सैलरी होती है। और बहुत अच्छा आपको यहाँ पे ग्रुप सी का पोस्ट है, अपॉर्चुनिटी भी बढ़िया है। और अगर आपने 10th पास कर लिया है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो सोचना कि आप कॉन्स्टेबल की पोस्ट पे करने वाले थे, इसका फॉर्म भर दो, इजिली आपका हो भी जाएगा। सो फ्रेंड्स आई होप कि मैंने जो कुछ भी आपको डिटेल बताए हो आईटीबीपी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 के रिगार्डिंग ड्राइवर से रिलेटेड आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर इसे समझने में कोई सी भी दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में आके बताना, मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और अगर ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके नोटिफिकेशन को थोरो आउट रीड करके समझ लेना फ्रेंड्स। और अगर आप लोग मुझसे और भी ज़्यादा कनेक्ट होना चाहते हो तो आप टेलीग्राम पे जाके मनीषा सिंह जॉब अपडेट के नाम से भी आप सर्च कर सकते हो। आपको इंस्टाग्राम पे मनीषा सिंह जॉब अपडेट MR जॉब अपडेट करके मिल जाएगा, और फेसबुक पेज भी है फ्रेंड्स, तो आप लोग अगर चाहते हो तो वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर देना ताकि सबसे पहले मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचे, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करते रहना टाइम टाइम पे। तो चलिए मिलती हूँ आपसे फिर से एक न्यू जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।